Hey guys, good evening. कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं. दोस्तों, आज हम डिनर पे बनाने वाले हैं ग्रीन पीस की कचौरी. तो किस तरह से हमने इसका प्रिपरेशन किया है, चलिए देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ग्रीन पीस लिया है. उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा अदरक, दो चिली, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है स्वाद के अनुसार, बहुत ही कम. और थोड़ा सा चीनी भी मैं ऐड करूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है. उसके बाद मैं पानी ऐड करके इसको पीस लूँगी. और यहाँ पे ग्रीन पीस का जो फाइन पेस्ट है वो बन चुका है, सो आप देख सकते हो. अभी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी. मैंने पैन पे ले लिया है 1 चम्मच घी और आधा चम्मच हींग. अगर आप चाहो तो ऑयल से भी कर सकते हो. और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ ग्रीन पीस. और इसमें ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दे के पीसा है, क्योंकि इससे जो पेस्ट बनता है बहुत ही स्मूथ बनता है. और ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इसको एकदम से ड्राई कर लेने वाली हूँ. तो यहाँ पे जो ग्रीन पीस की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गया है. स्टफिंग बनाने के बाद मैं डो रेडी कर रही हूँ. यहाँ पे मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ. जब भी हम लोग कचौरी वगैरह बनाते हैं तो मैदे से ही बनाते हैं. और साथ में मैं इसके थोड़ा सा आटा मिक्स करूँगी. सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लिया है. और अभी मैंने इसमें मयान ऐड कर दिया है और मयान को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी. और इसके साथ मैंने सॉल्ट और कलौंजी ऐड किया है. और जब मयान अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मयान जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, एकदम परफेक्ट हो गया है मयान. तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी. और पानी भी मैं यहाँ पे गर्म पानी यूज़ करूँगी, ठंडा पानी का यूज़ नहीं करूँगी. जब भी मैं मैदे की कुछ चीज़ बनाती हूँ तो आटा जो है मैं उसको गर्म पानी से ही मलती हूँ. और ये ना बहुत अच्छा भी रहता है. अगर आप चाहो तो मयान की जो ऑयल या घी है आप वो भी गर्म यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है. और कचौरी के साथ खाने के लिए मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ. बहुत ही प्लेन और सिंपल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ. और आज सैटरडे है तो बिना ऑनियन और लहसुन का बनेगा. सो यहाँ पे टमाटर आलू की जो सब्ज़ी होता है वो मैं बना रही हूँ. तो ऑयल में मैंने मसाला जो है वो सब दे दिया है, बस इसमें हल्दी और सॉल्ट ही जाएगा. और मैंने ऑयल पे बे लीव्स, रेड चिली और 5 फरंग ऐड किया है. उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है. जब टमाटर एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा उसके साथ मैं आलू ऐड कर दूंगी. और इसमें जो धनिया पत्ता का फ्लेवर होता है ना बहुत अच्छा आता है. और यहाँ पे मैं कसौरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा. और काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि ग्रीन पीस की कचौरी बनाएंगे. और ये सब जब बनता है ना, कृति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है. उसको बहुत मन रहता है कि ये सब मैं खुद अपने हाथों से बनाऊं. तो इसीलिए वो भी है हमारे साथ और हमको हेल्प कर रही है. और पूरी एक्चुअली उसका बहुत फेवरेट है. तो जब उसने सुना है कि हम लोग आज पूरी बनाने वाले हैं स्टफिंग वाला, तो वो बहुत खुश हो गई है.
पूरी ठंडा हो रहा है, पूरी ठंडा हो रहा है, पूरी ठंडा हो रहा है। कृति ने सब जुगाड़ कर लिया है, टेबल को पूरा एकदम से सजा दिया है। चलो चलो चलो, और रहा नहीं जा रहा है कृति से। हाँ चलो, ये आलू की सब्जी हमारी। ओगलो नीचे से करो। सो स्टार्ट, स्टार्ट किया जाए। हाँ, अटैक, कृति बोली अटैक। अभी कृति अपनी स्टोरी बुक पढ़ रही है, उसके बाद गुड नाइट हो जाएगा उसका, है ना। अब पूरी कैसा लगा? अच्छा अच्छा, फाइनली कृति को पूरी मिल गया है ना। हाँ, कल हम सुबह उठेंगे। हाँ कल सुबह उठेंगे, क्योंकि कल पूरी है, सुबह चाय के साथ खाना है ना। हाँ देखो, रात से प्रिपरेशन चल रहा है इसी की चीज का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आज है संडे। तो मैं आ गई हूँ हॉल पे, और हॉल का जो कुशन कवर है सोफ़ा का, तो उसको मैं चेंज कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसको चेंज करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही थी, और संक्रांति भी स्पेंड हो गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ जो रेगुलर बेसिस का मेरा कुशन कवर था वो मैं इसमें लगाऊँ, और जो थोड़ा सा डिज़ाइन वाला है उसको मैं अलग करके रख दूँ। क्योंकि ये जो कुशन कवर है, मैंने सोचा है कि इसको मैं ओकेजनली यूज़ करूँगी, तो इसीलिए मैं इसको अभी चेंज कर रही हूँ। और इस तरह से छोटे मोटे चेंजेस से ना घर में थोड़ा सा नया लुक आ जाता है हॉल का। सो ये भी मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का ये मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पी सेफ़।